नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे चल जाइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रबाले MIDC के कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों का फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का रबाले MIDC पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके द्वारा अभी तक 133 मजदूरों का फर्जी रिपोर्ट बनाए जाने का खुलासा किया गया है। रबाले MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन गीते के अनुसार फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले मोहम्मद वसीम असलम शेख और देवीदास महादू घुले को गिरफ्तार किया गया है। रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में थारो केयर लैब के लीगल ऑफिसर विरुदेव सरवदे ने शिकायत दर्ज कराया था कि उनके लैब के नाम से फर्जी रिपोर्ट दिया जा रहा है, जिसके बाद रबाले MIDC पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक रामचंद्र घाटे, API यशवंत पाटिल, हवलदार विश्वास कालोरकर, संजय कामले और वैभव पोल ने प्रवीण इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 133 कामगारों का रिपोर्ट जांच किया, वह सब फर्जी पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ये रिपोर्ट के लिए सैंपल लेने वाले मिड टाउन डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी कर मालिक देवीदास घुले और परफेक्ट हेल्थ पैथोलॉजी कर मालिक मोहम्मद वसीम शेख को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। इन दोनों ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ किया गया तो फर्जी रिपोर्ट बनाए जाने का कबूल गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनको कोर्ट में पेश किए जाने के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक निर्देश दिए थे सारी कंपनियों को, जो अपने लेबर्स हैं, कामगार से जो परमानेंटली अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए आते, उनको RT-PCR टेस्ट करने के लिए मैंडेटरी किया गया था। इस हिसाब से रबाड़े MIDC में एक प्रवीण इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने अपने 133 लेबरर्स हैं, वो लेबर्स का RT-PCR टेस्ट करने के लिए एक मिड टाउन डायग्नोस्टिक लैब है ठाणे की, जिसका ओनर है देवीदास घुले और इनका सह पार्टनर जो है परफेक्ट हेल्थ पैथोलॉजी कल्याण, ये दोनों ने इस कंपनी में अपना कैंप लगाया था। और कैंप लगाने के बाद उन्होंने 133 लेबर्स के सैंपल लिए थे। वो सैंपल उन्होंने अपना थायरोकेयर जो लैब है, जो एक्चुअल टेस्टिंग करता है, थायरोकेयर से उनका टाइप था, तो थायरोकेयर को भेजना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम, उनको भेजने के अलावा इन लोगों ने अपने ही कंप्यूटर से थायरोकेयर के लेटर हेड पे नॉट डिटेक्टेड करके रिपोर्ट जनरेट किए और ये रिपोर्ट कंपनी को भेजे। कंपनी के सीनियर ऑफिसर को पता चला कि इसमें जो QR कोड है, वो QR कोड सेम दिख रहा है, तो उन्होंने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि इन्होंने कोई फर्जी रिपोर्ट्स जनरेट किए। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने तुरंत इसमें ऑफेंस दाखिल किया और इसमें दो एक्यूज को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें इन्होंने 650 रुपये के हिसाब से 86,450 रुपीज़ हड़प लिए थे। इस तरह इसके उन्होंने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया है और लोगों को खतरे में डाला है, इसलिए इनके ऊपर 102/21 IPC 418, 420, 465, 468, 470, 471, 500, 188, 269, 34 IPC के तहत ऑफेंस दाखिल किया है। इसमें 4 घंटों के अंदर ये एक्यूज को अरेस्ट किया है, इनके सारे कंप्यूटर्स जब्त किए। अभी नई मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इन लोगों ने इस प्रकार से फर्जी कोई रिपोर्ट जनरेट किए क्या और किसको भेजे, इसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज़।